नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हरियाणा में भी अब गैंगस्टर की अवैध संपत्तियों पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जा रही है। यहां पर आपको बता दें कि रेवाड़ी में भी धारूहेड़ा चुंगी स्थित खसरा नंबर 271 पर अवैध रूप से दुकान निर्माण करने का नोटिस जारी करते हुए 42 दुकानों को तोड़ने का नोटिस जारी कर दिया गया है और 22 सितंबर को जारी किए गए इस नोटिस की मियाद 29 सितंबर को पूरी हो रही है। ऐसे में 23 सितंबर को प्रशासन की ओर से 42 दुकानों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी चल रही है। जैसे ही दुकानदारों को इसकी भनक लगी तो वीरवार की शाम दुकानदारों में हड़कंप मच गया। महिला हो या फिर पुरुष, हर कोई चिंतित है क्योंकि त्योहारी सीजन में अचानक रोड पर आ जाने के चलते रोजी रोटी का संकट भी उनके सामने खड़ा हो जाएगा। वहीं मौजूद लोगों द्वारा तर्क दिया जा रहा है कि जिस संपत्ति को तोड़ने का नोटिस जारी किया गया है, उक्त संपत्ति किसी व्यक्ति विशेष की न होकर एक ट्रस्ट की है और जिस तरह से 42 दुकान नहीं 42 परिवार कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं, नेता भी मौके पर पहुंचने लगे हैं। और यहां पर आपको बता दें कि पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव ने भी रात 9:30 पर मौके पर पहुंचकर कार्रवाई को गलत ठहराते हुए और समय देने की बात कही है। लोग जनप्रतिनिधियों से लेकर आला अधिकारियों को कार्रवाई रुकवाने की गुहार लगा रहे हैं। वहीं कुछ दुकानदारों ने दुकानों को खाली करना शुरू कर दिया है। अब ऐसे में देखना होगा कि शुक्रवार को कार्रवाई रुकती है या नहीं, क्योंकि बताया जा रहा है कि ट्रस्ट के अध्यक्ष धारूहेड़ा चुंगी निवासी सुनील डुलगज हैं। वहीं सुनील पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन सवाल है कि ट्रस्ट किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता, ट्रस्ट समाज के लोगों का होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अजीत, मैं सुरेंद्र प्रधान का भाई हूँ, डुलगज। अच्छा, अजीत डुलगज। अच्छा, प्रॉपर्टी तोड़ने की बात हो रही है, नोटिस दिए गए, क्या कहेंगे? तोड़ने की बात हो रही है हमारी, ठीक है। प्रॉपर्टी ये तो हमारी है समाज की, वाल्मीकि समाज की हमारी प्रॉपर्टी है, उसका सारी चीज हमारे पास कागज है, ठीक है। गैंगस्टर है भाई और गैंगस्टर है, उनके ऊपर घर भाई है, यहाँ ट्रस्ट के प्रधान, असली कहानी है ये। लेकिन इस पे कोई भाई का कोई वो नहीं है, जितनी जनता खड़ी है यहाँ पे सबसे पता कर लो, उसने किसी से दौड़ दबाव किसी से कर रखा है कुछ, एक भी बंदा बोल दे कि उसने दबाव से दुकान ले रखी है, प्रशासन को तंग कर रखा हो, किसी को हर चीज में कुछ कह रखा हो, जितनी भी प्रॉपर्टी है एक बार चेक कर लो आप, यहाँ यहाँ की है ना, ये हमारे वाल्मीकि समाज की, इसकी मैं ये कहता हूँ रिक्वेस्ट है थोड़ा टाइम दिया जाए बस इसको। नहीं, प्रशासन का मानना है कि ये व्यक्ति विशेष है, जैसे आपने बताया आपके भाई की है, आपका कहना है कि ये समाज की प्रॉपर्टी, किस तरह से है? समाज की, समाज साथ खड़ा है सारा, समाज की प्रॉपर्टी सारी है, सिर्फ भाई प्रधान है, आगे ट्रस्ट के प्रधान कोई जब जाए, जब ट्रस्ट चेंज हो जाएगा अगर जाते हैं तो भाई का नाम गैंगस्टर में, लेकिन भाई ने ये सिस्टम बनाया जो हर चीज में बनाया है, पहले कभी किसी ने करके दिखाया था, भाई ने ऐसा कुछ कर दिया, उसके पीछे बहुत लग रहे जनरल खोर जितने जो लग रहे सारे सब लग रहे, लेकिन उसने कभी किसी साथ गलत नहीं किया, जितनी भी दुकान है किसी से भी एक बार पता कर लेना, एक बारी जितनी कुछ हो पीछे से है ना, उसके बहुत लग रहे पीछे, लेकिन उसने कभी कोई सताया नहीं है। अभी प्रशासन ने आपको क्या नोटिस दिया? प्रशासन ने, मेरे को पता नहीं है, मेरे को तो पता लगे मेरे पास दुकान पे आए ऐसे तो भैया ऐसा है, हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया, न हमारे घर आया कोई, ना कुछ आया, बस एक ये नोटिस है यहाँ, ये छपका दिया था बस, इसका पता नहीं है किसी को, एक नोटिस ही है ये, एक ही है, इस किसी दुकान का आगे नहीं है, सिर्फ यहाँ लगाया, सिर्फ एक ये मैं कह रहा हूँ, अगर हमको बताते कुछ बात ऐसी है, हम भाई है बंद इस टाइम 9 महीने 1 साल उसको बंद हो गई, उसके बाद सारे कागजात है, अब उससे पहले उसको उसकी प्रॉपर्टी तोड़ना है, उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी है ये, समाज की प्रॉपर्टी है, इतनी प्रॉपर्टी बना रखी है, किसी से पता कर रहे ये बात। आगे का क्या कदम आपका रहेगा? आगे कदम ये, कल का नोटिस यहाँ देखे गए वो कि हम तोड़ेंगे, कैसे तोड़ देंगे समाज की जगह, अब इसमें आप बताओ समाज सारी खड़ी है, बताओ क्या करना चाहिए इसमें? नहीं, आप लोग सारे इकट्ठे, आप लोगों की बात होगी तो आगे का, जिस तरह से आपको आदेश तो दे दिए तो आगे आप प्रशासन से, आगे हम तो टाइम मांगते हैं, टाइम चाहिए हमने बस, कल का टाइम देखेगा तोड़ने का, सामान खाली करो, ऐसे एकदम से कैसे खाली कर लेंगे सामान सारे? कितनी दुकानें हैं ये? दुकान है कम से कम 40-42 दुकान है ये। कितनी सालों से यहाँ पे किराएदार रह रहे हैं? किराएदार कम से कम 10-11 साल हो गए इनको, अभी ताजा ही बनी है भाऊजी ये, अभी वो एक हफ्ता का 22 तारीख का नोटिस लगा के यहाँ पे ही है, 22 तारीख नोटिस लगाया था,
इतना किसी को बताया ना, किसी को बताया तो नहीं लगा, दो तीन दिन हुए ना, तो किसी को बताया भी नहीं, नोटिस लगा के गए यहाँ पे, किसी को नहीं बताया, समाज के किसी आदमी को ना, किसी दुकान में बता के गए यहाँ पे, ऐसे चुपके से लगा देंगे। अगर वही हो जैसे नक्शा पास नहीं हुआ हो, उसकी थोड़ा टाइम चाहिए हमने, पर जो पलेंटी है वो पलेंटी मिलेगी, जो सरकार चाहती है ना, ज्यादा पलेंटी चाहिए, जितने प्रशासन है ज्यादा पलेंटी चाहते हो वो पलेंटी मिलेगी, लेकिन थोड़ा ऐसा ना करें, कल का टाइम तोड़ने के देखे गए वो ना कर पाए, बस इसका रोक चाहिए हमने, बस सब चीज़ का कागज मिलेंगे, जो पलंटी सरकार चाहती है वो पलंटी दी जाएगी यहाँ से ट्रस्ट की तरफ से, लेकिन ट्रस्ट की दुकान है, सुनील प्रधान सिर्फ यहाँ के प्रधान है, ये नहीं कि उसने कब्जा कर रखा है यहाँ पे, ये किसी से पता कर लो आप। कल डीसी से मिलेंगे या कुछ इस तरह का? डीसी से मिलेंगे, अभी भी हमारे गए उड़ते कप्तान साहब के पास भी यार, कई जगह गए थे डीसी, कई जगह गए उड़ते, लेकिन वहाँ नहीं मिल पाए, कहीं गए उड़े मीटिंग में, अब मीटिंग में वो मिले नहीं, हमारे जो बड़े हैं, हमारे बड़े भी हमारे, मीटिंग चल रही है, लेकिन पता लगे कि काम। आप यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं? मैं ये जो दुकानों के लिए ये दुकानें तोड़ रहे हैं, किस क्यों तोड़ रहे हैं ये दुकानें, ये तो ट्रस्ट की दुकानें हैं, और हम तो अपनी रोज रोटी कमाने के लिए बैठे हैं, ना कोई हमें नोटिस दिया कम से कम 15 दिन, कुछ तो टाइम देते, और पहली बात तो हम ये छोड़े क्यों, हमने इतनी हम किराया भर रहे हैं, अगर किराया ना भरे तो बताओ, किराया भर रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, फिर ये क्यों खाली करवा रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? प्रशासन का ये कहना है कि गैंगस्टर की दुकान है, इसलिए इनको प्रॉपर्टी को तोड़ा जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? अरे क्यों तोड़ा जा रहा है, हमारा यहाँ इधर से हम अपना रोजगार कमा रहे हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं, किराए पे मकान है, किराए पे दुकान है, किराया तो भर रहे हैं ट्रस्ट को, ट्रस्ट की दुकानें है ना ये, तो खाली क्यों करवाई जाए, तोड़ी क्यों जा रही है? बस मेरा तो यही है कि अपील है कि तोड़ी ना जाए, जो तुम्हारी प्लंटी बनती है, कुछ बनता है, वो लेके सुलटा लो बस। विजय पाल, आज आप यहाँ इकट्ठे हुए, क्यों इकट्ठे हुए आप? हमें ये मालूम पड़ा है कि ये प्रशासन किसी कारण से ये दुकानें तोड़ रहा है, हमें इस बात को पता नहीं था कि प्रशासन ने कब तो नोटिस दिया है, कब नोटिस नहीं दिया है, आज हमें नोटिस का जो नोटिस चस्पा रखा है वो आज पता लगा है, जबकि इसके ऊपर डेट लिखी गई है 22 तारीख की और आज है 29 तारीख, इन 7 दिनों के अंदर हमें ना तो नोटिस का कोई ज्ञात था ना हमें पता था, अगर हमें पहले पता होता तो हो सकता है कि हम पहले कोई कार्रवाई करते। नहीं, प्रशासन का ये कहना है कि जो पूरे प्रदेश में ये कार्रवाई हो रही है, अकेले रेवाड़ी में नहीं, जो भी मतलब असामाजिक गुंडे तत्व के लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी को तोड़ा जा रहा है, तो ऐसे वैधानिक जो लोग हैं आप उन पे कार्रवाई कीजिए, आप आम पर जो जनता को परेशान क्यों कर रहे हैं, और ये तो जो ट्रस्ट की जमीन है, ट्रस्ट के लिखित के कागज है सब दुकानदारों के पास, ट्रस्ट उनको एविडेंस भी हमारे पास, और उसके बाद हम उसके बार बार में हम उनको किराया दे रहे हैं, किराए की रसीद भी है, तो ट्रस्ट हमें तंग नहीं कर रहा, आप जब ये प्रशासन को ये नहीं पता था, जब ये दुकानें बन रही थी तब इनको रोका जाया, क्या इनके ऊपर कार्रवाई की? क्या मांग करेंगे आप, क्या कहेंगे? हम ये मांग करेंगे कम से कम हमें कुछ टाइम दिया जाए और हमें इस कानून के बारे में अवगत किया जाए कि ये दुकान वैध है या अवैध है, हमें उसका परिपूर्ण रूप से इस बारे में जानकारी दी जाए, और प्रशासन से हम मांग करते हैं कि जो भी इनकी पेनल्टी होगी वो हमारे जो ट्रस्टी है, जो ट्रस्ट के जो हमारे प्रधान है, उनसे आप उनको जाके या पेनल्टी से आप किराएदार हैं क्या है? मैं किराएदार हूँ और मैं मकान मालिक, मैं दुकान मालिक भी हूँ। कितने दिनों से आप दुकान ये चला रहे हैं? 7-8 साल हो गए सर, काम का टाइम हुआ, गरीब बंदा तो मर गया ना, बैठे है किराए पे लेके, तो आप कैसे खाली कर दे बताओ, दिवाली पे करवा चौथ पे मैंने 3 लाख का माल भर दिया, अब मैं कैसे खाली कर दूं, किराए पे रह रही हूँ और किराया पे दुकान नहीं है तो कैसे काम चलेगा? किस तरह की परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी जिस तरह से दुकान खाली हो जाएगी, कहीं ना कहीं आपके परिवार कैसे बताओ, धंधा पानी जमाया हुआ कैसे जमेगा, कहाँ किराया मिलेगा, अब खड़ी चोट 30,000 रुपए किराए पे दुकान दे रही है, मैं कैसे ले लूँ 30,000 की दुकान, नहीं बताओ पहले, अरे नहीं चली वो दुकाने, फिर महीना का 30,000 मैंने देना ही है, और जमाने और दुकानों में मेरा सामान नहीं आएगा, मुझे 11 साल हो गई जमाई हुई दुकान। अब आप लोग क्या करेंगे अगला कदम? हमने खाली मत करवाओ, फांसी खा लो ताकि सारे सुखी हो जाए, हम खाली नहीं करेंगे, सुखी हो जाएंगे सर, जब यहाँ जाम लग जाएगा ना, जब सारे सुसाइड करेंगे फिर सब खुश हो जाएगा, प्रशासन खाली नहीं करेंगे, जमाने में कितना साल लग गए और तोड़ने में 1 सेकंड, अपनी मेहनत कर करके 11 साल इतना अपना धंधा पानी जमाया है, और सारी लेडीज किसी का आदमी क्या कर रहा है, किसी का आदमी क्या कर रहा है, बच्चे लेडीज ही पालती है, कहाँ जाएंगे? सर आप एडवोकेट हैं तो पूरे मसले को लेकर क्या कहेंगे जिस तरह से नोटिस जारी किया गया है? भाई देखो, प्रशासन को समय देना चाहिए, ये गरीब आदमी, इनकी रोजी रोटी छिन जाएगी और जो है हजारों आदमी बेरोजगार हो जाएंगे त्योहार का टाइम है, अब इनका सीजन है, तो प्रशासन को पहले समय देना चाहिए, इनको उचित कार्रवाई के लिए कम से कम ये कोर्ट कचहरी का सहारा ले सकें, अपनी और जो कुछ
इरेगुलरिटीज है उनको अपनी ठीक कर सकें। इस तरह जो है ये जनता लोगों के साथ जो है बड़ा अन्याय है और इस तरह की कार्रवाई प्रशासन को नहीं करनी चाहिए। सर पूरे प्रदेश में इस तरह की कार्रवाई हो रही है, कहीं ना कहीं गैंगस्टर के नाम पर इस तरह की कार्रवाई हो रही है। इनका कहना है कि समाज का प्रॉपर्टी है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। ये तो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, इसको जो है कानून के दायरे में ही जो है इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। अचानक ऑल ऑफ ए सडन इस तरह की कार्रवाई बहुत गलत है और हम इसकी निंदा करते हैं। सर कानून के लिहाज से क्या कहेंगे आप, जिस तरह से मतलब तोड़ने के आप नोटिस जारी कर दिए गए, क्योंकि ये व्यक्ति विशेष की नहीं है ये बताया जा रहा है। इसमें भी समय होता है, कम से कम समय दिया जाना चाहिए, नहीं आज नोटिस लगाया आज ही जो है डिमोलिशन की कार्रवाई कर दी। ये प्रशासन की बहुत गलत कार्रवाई है, हम इसकी निंदा करते हैं और हम जो है इसमें जो है जो भी उचित कार्रवाई होगी, जो भी जनता जनार्दन मिलकर करेगी, हम इसका विरोध करेंगे। इसमें सर कोई कानून का एक्शन भी आपका, हम अदालत में भी जाएंगे इस बारे में, जो भी है अदालत से जो है थोड़ा सा समय मिलेगा, जो कोर्ट कहेगी वैसे कार्रवाई हो जाएगी। प्रत्यय बहुत निंदनीय है, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। इस तरह लोगों का रोजगार छीनना ये जो है सरकार की तानाशाही है और प्रजातंत्र में ऐसा नहीं चलेगा। प्रधान जी एक नोटिस जारी किया है, करीब 42 दुकान बताई जा रही है तोड़ने को लेकर, कहीं ना कहीं महिलाएं भी हमने देखी, कहीं ना कहीं परेशानी है लोगों को, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये इन्होंने गैंगस्टर एक्ट के तहत कोई नोटिस इनको दिया है, पूरे हरियाणा में दे रहे हैं, लेकिन आज जो यहाँ की परिस्थिति वो अलग है। ये किसी एक व्यक्ति की जगह नहीं, ये समाज की जगह, वाल्मीकि समाज की जगह, और उसका ट्रस्टी उसका कोई भी कर्ता धरता हो सकता है, उसको चेंज किया जा सकता है, ये किसी की अपनी मलकियत नहीं है। और म्यूनसिपल कमेटी ने जो नोटिस दिया है वो इस बात का दे सकती है कि इन लोगों के पास नक्शा पास नहीं है, लेकिन उसमें कहीं भी प्रावधान इसको तोड़ने का नहीं है। और जो कर रहे हैं वो गलत है कि आज त्यौहार का समय है और आप जो कानून सम्मत कोई बात कीजिए कि नवरात्रे चल रहे हैं, त्यौहार का समय, आप जो यहाँ सैकड़ों लोग जो आज यहाँ से रोजी रोटी कमा रहे हैं उनकी क्या हालात होगी। आज मैं कहता हूँ चलो इन्होंने बिना नक्शे पास ये दुकान बना रखी है, उसका भी कानून है। आप दुकानों को इस तरह से नहीं उजाड़ सकते, आप किसी एक व्यक्ति विशेष की आड़ में पूरे लोगों को खराब नहीं कर सकते, पूरे समाज को खराब नहीं कर सकते। मेरी आपके माध्यम से प्रशासन से ये अपील है, उनसे प्रार्थना है कि सच आके देखिए सच्चाई क्या है, और रही समाज डिसाइड कर लेगा। अगर आपको किसी व्यक्ति विशेष से परेशानी, समाज उसको बदल देगा, लेकिन एक व्यक्ति की आड़ में आप सैकड़ों लोगों को बेघर करने का काम ना कीजिए। सर जनप्रतिनिधि होने के नाते आप वकील भी हैं, एडवोकेट भी हैं, कानूनी जानकारी भी है, मैं सिंह व्यक्ति विशेष की, जैसा आपने बताया व्यक्ति विशेष की ये नहीं है, ट्रस्ट की है, कितना जायज़ लगता है जिस तरह नोटिस देकर डिमोलिशन का जो एक करा जा रहा है? जिस तरह से मुझे यहाँ दुकानदार भाइयों ने बताया कि जो दुकान खुली हुई थी उनको तो मौका भी सुनने का नहीं दिया, और अपील और दलील का अधिकार तो जो कत्ल कर देता है उसको भी है, वो भी अपनी बात तो रख सकता है। तो इन दुकानदारों का पक्ष तो सुने ना कि इनको आप रात के अंधेरे में इनके चुपचाप जो दुकानें बंद थी उनको आप नोटिस चस्पा कर गए और इनकी आप सुनाई नहीं करना चाहते, तो ये कौन सी गूंगी बहरी सरकार है? आप इन जो भी यहाँ दुकानदार है उनकी सुनिए, और अगर उन्होंने कोई वायलेंस कर रखा है तो उसका तरीका है कानून सम्मत कार्रवाई की, दुकानों को सील कर दीजिए। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि आप दुकानों को सुबह बुलडोजर लेकर आओगे तोड़ोगे इनको, ये गलत है। मैं इस बात का विरोध करने के लिए आया हूँ। तो जैसे लोग भी कह रहे हैं कि भाई उनको मौका नहीं था, फर्दर प्रोसेस क्या रहेगा इसके कानूनी रूप से? इनको इन सब लोगों को जो यहाँ अथॉरिटी है, डिप्टी कमिश्नर है, डीएमसी है, उनसे जाके मिलना चाहिए, और वो क्या कहते हैं उसमें फिर नहीं तो कोर्ट है ना, फिर कोर्ट में कार्रवाई करनी चाहिए। भाई जब आदमी को जब प्रशासन से न्याय नहीं मिले तो उसके बाद कानून का सहारा है, और जब प्रशासन भी नहीं देगा तो ये जो जनमत जो लोग हैं ये सबसे बड़ा ये सहारा है, लोग डिसाइड करेंगे, हम विरोध करेंगे उस बात।